हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज अभिज्ञान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज हम लोग मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। सो ये हमारा वन शॉट वीडियो है। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ डिफिनेशन है, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास डिफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी, इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट मेजर्स न्यूमरिकली द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट्स। मीन्स प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमरिकली डिफाइंस द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सो द नेक्स्ट डिफिनेशन इज ऑफ इवेंट। इवेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ an experiment, the all possible outcomes of an experiment is called events. And called definitions hai, one more definition which is trial. What is trial? So the experiment, the resultant of experiment is known as trial. So ab hum log move karte hain probability ke do types ke, ek theoretical probability and experimental probability. So sabse pehla hamare paas hai theoretical probability, what we expect to happen in an experiment. So एक experiment में हम लोग क्या expect करते हैं कि एक experiment में ये चीज आ सकता है। तो सबसे पहले जैसे experiment लिए मैंने, जैसे मैंने एक coin toss किया, coin को हमने toss किया। So हमारे पास दो chances है कि हमारे पास एक head आ सकता है, एक tail आ सकता है। और अगर हमें एक chances चाहिए कि हमें head ही चाहिए या फिर tail ही चाहिए, तो हमारे पास एक हमारे पास ट्रायल है, फेवरेबल ट्रायल है जो कि हेड या फिर टेल हो सकता है और टोटल आउटकम हो सकते हैं टू। सो प्रोबेबिलिटी हम लोग पी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एम बाई एन, जहां पे एम थियोरिटिकली डिफर करता है एक्सपेरिमेंटल से। सो एम जो है होता है थियोरिटिकल में नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, एक इवेंट कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैपन होता है। जैसे क्वाइन हम लोग टॉस किए तो हम लोग को हेड चाहिए, एक इवेंट एक बार हैपन होगा। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और क्वाइन हम लोग जब टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे, टू ट्रायल्स होंगे, या फिर हेड आ सकता है, टेल हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी एक्सपेरिमेंट का वो जीरो और वन के इक्वल हो सकता है या फिर जीरो और वन के बीच में ही लाई करेगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। सो इतना आपको क्लियर है। अब हम अपन देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, सो व्हाट एक्चुअली हैपन इन ए एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग क्वाइन को ही टॉस करें, सो हमारे पास एम आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। किसी भी इवेंट में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हम चाहते हैं हेड आए, तो हमारे लिए हेड वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी वन हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी टू। अगर हम लोग क्वाइन ही को टॉस करते हैं तो इसके दो साइड में एक टेल होता है, एक हेड होता है। सो हमारे पास टोटल कितने आउटकम है, टू आ सकते हैं, हेड या फिर टेल। और हम चाहते हैं अगर हेड आए तो हमारा फेवरेबल ट्रायल कितना है, वन है। नाउ वी मूव टू द आइदर डिफिनेशंस। सो फर्स्टली वी हैव श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, इवेंट हैविंग प्रोबेबिलिटी टू अकर एज वन। Sure event is a type of event in which the experiment having the probability of getting one. And now we have the elementary event. Event having one outcome or only one outcome of an experiment. किसी भी experiment में अगर हमारे पास एक ही outcome आता है तो उसे हम लोग elementary event कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं complementary event. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, तो जैसे कि आपने यहां देखा कि प्रोबेबिलिटी जीरो के इक्वल भी हो सकता है और वन के इक्वल भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी एंड वन के इक्वल भी हो सकता है। वन के इक्वल आपने कहां देखा, आपने वन के इक्वल इस केस में देखा, इसको हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं। एंड तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट। So, इतना आपको क्लियर होगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले वैल्यू देखते हैं कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्री इवेंट को हम लोग जब प्रोसेस करेंगे तो उसके हर प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा वो वन ही होगा।
जैसे हम लोग दो एक्सपेरिमेंट किए तो हमारे पास दो आएगा, जैसे क्वाइनी को टॉस किए तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। अभी हम लोग यहाँ देखे थे तो 1/2 हेड आने का एंड टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगा। सो इसको हम लोग 1 - 1/2 भी करेंगे तो 1/2 ही आएगा, इससे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वाइन को टॉस करना क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। वन हमारे पास श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट में से हम लोग 3 या 2 में बाइफ्रकेट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले डाइस का एग्जांपल है। तो क्वेश्चन है, 2 डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 13 एज सम। सो आप तो जानते हैं कोई भी अगर 2 डाइस को हम लोग रोल करेंगे तो मैक्सिमम उसमें 6 + 6 आ सकता है जो कि 12 है। तो 13 हम लोग का सम आ ही नहीं सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं, डाइस में फेवरेबल आउटकम 36 होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना है, 0 है। और पॉसिबल आउटकम डाइस में 36 होते हैं, तो हम सम कितने बार आ सकता है, 0 बार। यहाँ प्रोबेबिलिटी, सो हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 0, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट मे बी 0। सो इस केस में हम लोग 0 देख सकते हैं कि हमारा कोई फेवरेबल आउटकम 0 ही है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा, भले ही पॉसिबल आउटकम्स कितने हो। अब हम लोग क्वाइन का कॉस्ट देख, क्वाइन का जब टॉसिंग होता है तो हमारे पास टोटल आउटकम 2 होते हैं। फेवरेबल आउटकम जैसे हम लोग को हेड चाहिए या फिर टेल चाहिए तो फेवरेबल आउटकम्स 1 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया हेड आने का या फिर टेल आने का, 1/2 हो गया। और अब हम लोग कार्ड का एग्जांपल देखते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स के पैक में से अगर हम लोग को एक एस निकालना हो तो हम लोग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। पहले मैं आपको कार्ड्स के बारे में कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। तो 52 नंबर्स ऑफ टोटल कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स में डिवाइडेड रहते हैं। 13 का एक सूट रहता है जिसमें 4 फेस कार्ड्स होते हैं, 4 फेस कार्ड्स होते हैं, यानी कितने फेस कार्ड हो गए, 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें, टोटल 4 4 16 फेस कार्ड्स हो गए टोटल कार्ड में। एंड 4 सूट्स, एक सूट 13 कार्ड्स का होता है, 4 सूट्स 4 फेस कार्ड्स होते हैं, इतना आपको ध्यान रखा है। बाकी सारे नंबर्स कार्ड होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, तो उसी में से एक कार्ड होता है एस। तो एस कितने टाइम्स आ गया फ्रेंड्स, 1 2 3 4 4 टाइम्स अपन के पास एस आ चुका है। सो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4 है, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52 है। हाँ, तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी कितना आया फ्रेंड्स, 4/52 = 1/13। सो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का टोटल कॉन्सेप्ट। और एक और कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास 2 पार्टिकुलर इवेंट्स निकलते हैं, जैसे कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए हेड है तो आपको हेड का प्रोबेबिलिटी निकल गया। अब ये एक एलिमेंट्री इवेंट है, हेड अपन निकाला जो हम लोग टॉस किए क्वाइन को, तो ये एक एलिमेंट्री इवेंट है। अब हम लोग से अगर पूछा जाए कि टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकाल लेंगे उसका, जो हम लोग टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 1/2 = 1/2। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितना आता है। जैसे इसी केस में 3 आए हैं, सम 1 होते हैं, आप में 2 भी आ सकते हैं। जैसे कि क्वाइन के केस में अपन ने देखा कि प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स भी आ सकते हैं, तो उनका सम 1 ही होगा। चाहे कितने भी टाइम्स, कितना भी चांसेस, कितना भी ले लीजिए, आप कार्ड्स के ही केस में ले लीजिए तो आप अलग अलग टाइप से भी कार्ड्स को निकाल सकते हैं, तो हर का सम जो होगा प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये जो होगा वो इसके कम ही होगा। सो हो प्रोबेबिलिटी में आपको इतनी चीजें क्लियर होगी। सो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो अपना अपलोड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू वेरी मच।